शशांक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुनील सिंह के घर के बाहर से। शशांक, बात पूरी कीजिएगा, क्या अपडेट वहां से मिल रहा है? देखिए, सुबह 8 बजे से लगातार यहाँ पर सीबीआई की टीम मौजूद है। हम उनके अपार्टमेंट के आगे खड़े हैं। यही वो अपार्टमेंट है कांति पैलेस, जिसमें सुनील सिंह रहते हैं। अंदर सीआरपीएफ के भी जवान हैं, बिहार पुलिस के भी जवान हैं। सीआरपीएफ के जो लोग हैं वो उनकी सुरक्षा में हैं, जो सीबीआई की तरफ से हुए हैं। बाहर में यहाँ पे लगातार जो है राजद के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, जांच एजेंसियों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। हमें जो जानकारी मिल रही है कि ये जो रेलवे में जो नौकरी दिया गया अंदर दिया जाएगा, काहे चिंता कर रहे हैं? लालू यादव तब रेल मंत्री थे, भोला यादव लालू के हनुमान कहे जाने वाले अभी पकड़ाए थे, उनके अभी सीबीआई रेड हुआ था पिछले महीने, तो वो कई दिनों तक रिमांड पे थे। तो पूछताछ में कई तरह की जानकारी निकली है, हमारे सोर्सेस बता रहे हैं, और उसी आधार पे आज राजद नेताओं के यहाँ कार्रवाई हो रही है, जिसमें एक छापेमारी इस घर में हो रही है। देखिए, राजद के तमाम कार्यकर्ता यहाँ बैठे हुए हैं। सीपीआई हाय हाय, सीबीआई होश में आओ। अच्छा, क्या लगता है, कोई गलती इन्होंने की है या फंसाने? कोई गलती नहीं किया गया है, बदले की कार्रवाई है, बदले की कार्रवाई है। किसान कभी चोर नहीं होता, चोर किसान नहीं होता। नीतीश कुमार से जब आज जो है सीबीआई को भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टी के वर्कर के रूप में इस्तेमाल कर रही है। इसी महीने नेशनल हेराल्ड केस पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कई ठिकानों पर छापा मार के, देखिए ये जिस तरह से जनरली जो कार्यकर्ता होते हैं पार्टी के कहते हैं कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है, वो हर बार कहते हैं। लेकिन जो बीजेपी है, राणा रणधीर से हमारी बात हुई थी सुबह में विधानसभा में, बीजेपी के नेता है, साफ कहते हैं कि सीबीआई के पास पुख्ता सबूत है, उसी आधार पर हो रही है, ये बीजेपी का दावा है। लेकिन हाँ, ये रेलवे में जो नौकरी दिया गया, बदले में जमीन लिया गया, कहीं ना कहीं मामला वही है। इस मामले में मई महीने में भी पटना में सीबीआई की टीम ने छापेमारी की थी, जिसमें राबड़ी आवास पर छापेमारी हुई थी, पटना के दानापुर में हुई थी, गोपालगंज में हुआ था। और मामले में जो सीबीआई ने केस दर्ज किया है उसमें लालू, राबड़ी, मीसा भारती, हेमा यादव सहित लालू परिवार के लोग थे। और जुलाई में पिछले महीने यहाँ पटना में ही रेड हुआ था भोला यादव के यहाँ, लालू के वो सचिव हैं। जब लालू रेल मंत्री थे तो ओएसडी थे, उस समय जितना भी जमीन लिया गया उस पर कहीं ना कहीं राजदार थे। इस आधार पर उनको रिमांड पे भी लिया गया था। और जो पूछताछ हुई है, जो बातें सामने आई हैं, उसी आधार पे कार्रवाई राजद नेताओं पे हो रही है। जहां तक सुनील सिंह की बात है तो ये बिस्कोमान के चेयरमैन भी हैं, सहकारिता क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, तो हो सकता है उसका भी कुछ मामला निकल कर सामने आए। वैसे जो हमें जानकारी मिल रही है कि अंदर उनसे लगातार पूछताछ हो रही है, कुछ परिजन से भी पूछताछ हो रही है, कागज पत्र जो है वो खंगाले जा रहे हैं, दस्तावेज अंदर सीबीआई के लोग जो है खंगाल रहे हैं। हमें लगता है कि जो 8 बजे से कार्रवाई शुरू, छापेमारी शुरू हुई है, करीब करीब 3:30 तक चलेगी। अब क्या उनकी गिरफ्तारी भी होती है या दस्तावेज लेकर यहाँ से सीबीआई की टीम जाती है, इसका हमें इंतजार करना होगा। लेकिन गिरफ्तारी की भी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा रहा है। वहीं इसके अलावा 4 और राजद नेता हैं, अफाक करीम राज्यसभा सांसद हैं, फैयाज अहमद हैं, पूर्व विधायक अबू दोजाना हैं और पूर्व एमएलसी सुबोध राय हैं, आज उनके यहाँ भी छापेमारी हो रही। तो देखा जाए राजद के करीब करीब 5 नेता जो है सीबीआई के भी रडार पे। वहीं एक खबर आ रही है गुड़गांव से भी कि तेजस्वी के मॉल में छापेमारी हो रही है, दावा किया जा रहा है कि तेजस्वी का मॉल है। तो अब बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या ये सब जांच का आज सब तेजस्वी तक भी पहुंचेगा? महागठबंधन की सरकार बन चुकी है तो अब ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अभी भी अंदर देखिए, यही वो घर है जिसमें रेड हो रहा है। अंदर सीबीआई के अधिकारी, करीब आधा दर्जन अधिकारी मौजूद हैं। जो हमें जानकारी मिल रही है कि सुनील सिंह से पूछताछ हो रही है, उनके कुछ परिवार के भी लोग हैं, कागज पत्र ज्यादा खंगाले जा रहे हैं। ये बिस्कोमान के चेयरमैन है तो हो सकता है सहकारिता क्षेत्र से भी जुड़ा जो कुछ मामला हो या निकल कर आए। लेकिन कार्यकर्ता यहाँ डटे हुए हैं, अपने नेता को बेकसूर बता रहे हैं और सीबीआई वापस जाकर नारा भी फिलहाल लगाते यहाँ पे दिख रहे हैं। जी श्रीन, ठीक है शशांक, आप रहिए। तो शशांक, जिस तरीके से बता रहे हैं कि अभी ये छापेमारी आगे लंबी खिंच सकती है, क्योंकि लगातार जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कागजात हैं, उन्हें खंगालने की कोशिश की जा रही है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था को भी पुख्ता करने की यहां पूरी कोशिश की गई है, क्योंकि बाहर कार्यकर्ता जुटे हुए हैं और सभी हमारे साथ बने हुए। एक बार फिर से प्रकाश, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए ये तो बाहर की बात हो गई, बाहर छापेमारी चल रही है। विधानसभा में हमने देखा कि किस तरीके से स्पीकर ने इस्तीफा दिया, अब इंतजार हो रहा है जब 2 बजे कार्रवाई फिर से शुरू होगी। बताइए हमारे दर्शकों को, 2 बजे क्या होने वाला है विधानसभा में आज? बिहार में देखिए दो तरफ एक हंगामा है, एक सड़क पर है जो हम दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी शशांक और झारखंड से ज्ञानेंद्र तिवारी मौजूद हैं और तमाम जो हमारे रिपोर्टर्स हैं पूरे बिहार में फैले हुए। अभी अभी सासाराम से एक वीडियो आया है, जो प्रेम प्रकाश है वो सासाराम से उनका लिंक जुड़ रहा है और उनके घर पर जो बैंक कॉलोनी में घर है, पूजा सिंगल से भी इनके रिश्ते बताए जाते हैं, किस तरह के क्या थे ये अभी तक साफ नहीं हुआ है। तो इसमें भी उनके घर पर छापेमारी हो रही है। तो ईडी की कार्रवाई, सीबीआई की कार्रवाई और दूसरी तरफ बिहार विधानसभा में कार्रवाई। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने
ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।